नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जीएस पेपर वन के सोसाइटी के सैलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेंस बूस्टर प्रोग्राम 2019 के बारे में। इस प्रोग्राम में हम मेंस स्पेसिफिक सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, लोकेशंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, गवर्नेंस इश्यूज एंड सोशल जस्टिस, एथिक्स, आईआर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और ऐसे। इसके अलावा सिलेबस डिस्कस करने के अलावा डेली हम चार क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हर एक पेपर से एक क्वेश्चन हम उठाएंगे, लेकिन मॉडल आंसर नहीं मिलेगा। हम ये डिस्कस करेंगे क्या लिखा जा सकता है क्वेश्चन के जवाब में। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम उठा के डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ये वेबसाइट का नाम है video.onlyis.in, जहाँ पे जाके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो तो onlyis.sales@gmail.com पर आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप पहले मुझे ये बताइए, सोसाइटी का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोसाइटी? सोसाइटी देखो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सोशियस। सोशियस का लिटरल मीनिंग है कंपेनियनशिप। जब देखो एक से अधिक इंडिविजुअल एक साथ आते हैं तो वो कहलाती है कंपेनियनशिप। सोसाइटी के लिए देखो इंडिविजुअल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअल्स के बिना सोसाइटी नहीं बन सकती। आप ये भी बोल सकते हो इंडिविजुअल इज बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। जब इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं तो ग्रुप बनता है, ग्रुप एक्सपेंड हो जाता है सोसाइटी में। सोसाइटी को आप नाम दे सकते हो वेब ऑफ रिलेशनशिप। वेब ऑफ रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल चाइल्ड का रिश्ता फादर के साथ, मदर के साथ। फैमिली में देखो कितने सारे रिश्ते होते हैं। इवन देखो लोगों का रिश्ता पॉलिटिशियंस के साथ, ये भी सोसाइटी का एक पार्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि सोसाइटी का निर्माण होता ही क्यों है, सोसाइटी की आवश्यकता ही क्यों है। इसका आंसर है नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए। अकेला इंडिविजुअल देखो अपनी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो इसी वजह से अधिक इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और इसी प्रकार से ग्रुप बनता है और वो एक्सपेंड हो जाता है सोसाइटी में। अगर आपसे पूछे कि सोसाइटी का निर्माण क्यों होता है, आप बोलोगे नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए, अकेला इंडिविजुअल अपनी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। आगे देखो, किसी भी ग्रुप को सोसाइटी कहने के लिए कम से कम 5 करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करना जरूरी है। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन। किसी भी सोसाइटी में पॉपुलेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बताइए, लोग ही नहीं होंगे तो समाज कैसे बनेगा? इसलिए लोगों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पॉपुलेशन का होना जरूरी है। दूसरा, टेरिटोरियल बेस। कोई भी सोसाइटी तब तक सोसाइटी नहीं बनती जब तक उसके पास कोई फिक्स्ड एंड परमानेंट टेरिटरी ना हो। जैसे देखो जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इंडिया के पास एक डेफिनेट टेरिटरी है ना, हमारा बॉर्डर है। उसी प्रकार से नागा सोसाइटी की बात की जाती है। नागा सोसाइटी कहाँ पर है? नागालैंड में है। यूएसए की सोसाइटी की बात की जाती है, कहाँ पे है? यूएसए में है, और यूएसए की एक डेफिनेट टेरिटरी है। इसी वजह से कोई भी सोसाइटी तभी बनती है जब उसके पास एक फिक्स्ड और परमानेंट टेरिटरी होती है। अब बात करते हैं तीसरे करैक्टरिस्टिक्स की, म्यूचुअल अवेयरनेस। म्यूचुअल अवेयरनेस का देखो सिंपल मतलब ये है, सोसाइटी के मेंबर्स को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। पता होने का मतलब ये नहीं है कि नाम पता होना चाहिए। जैसे देखो यूएसए में हम जाते हैं, इंडियन को देखते ही हमें पता लग जाता है ये इंडियन सोसाइटी का पर्सन है। या फिर बिहार का कोई पर्सन दिल्ली में आता है, किसी बिहार के पर्सन को देखता है तो उसको देखते ही पता लग जाता है बिहेवियर की सहायता से, रहन सहन से, कि ये बिहार का है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हर एक सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है, अपनी लैंग्वेज होती है, फूड हैबिट्स होती हैं, कपड़ा पहनने का तरीका होता है। तो इन सब चीज़ों की सहायता से सोसाइटी का एक मेंबर दूसरे मेंबर को आसानी से पहचान लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है सोसाइटी तब सोसाइटी बनती है जब उसके मेंबर्स एक दूसरे को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें, यानी म्यूचुअल अवेयरनेस हो सोसाइटी के मेंबर्स के बीच। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स हैं शेयर्ड कल्चर। देखो किसी भी ग्रुप को सोसाइटी तब कहा जा सकता है जब उस ग्रुप के मेंबर्स कुछ बेसिक वैल्यूज़ पर सहमत हों, यानी
एक सर्टेन वैल्यू सिस्टम होना चाहिए ग्रुप के मेंबर्स का, तब जाके उस ग्रुप को समाज कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, हमारे इंडियन समाज में फैमिली मेंबर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है। हमारे देश में जॉइंट फैमिली सिस्टम को अच्छा माना जाता है, जबकि यूएस की सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फैमिली के मेंबर्स के बीच इंडिया जैसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड नहीं देखने को मिलता। डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं यूएस की सोसाइटी में, लेकिन दूसरी तरफ हमारे इंडिया की सोसाइटी में डाइवोर्स को यानी तलाक को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। किसी भी ग्रुप के मेंबर्स को समाज तब कहा जा सकता है जब उस ग्रुप के मेंबर्स एक सर्टेन वैल्यू सिस्टम पर एग्री करते हों, यानी उनके पास एक शेयर्ड कल्चर हो। सबसे लास्ट करेक्टरिस्टिक्स साइकिक यूनिटी यानी साइकोलॉजिकल यूनिटी। इसका मतलब है देखो सेंस ऑफ यूनिटी एंड वननेस। सिंपल एग्जाम्पल जो हमने पहले भी समझा, मान लीजिए हरियाणा से कोई पर्सन जाता है यूएसए में। अब देखो उस पर्सन को यूएसए में कोई हरियाणवी बोलता हुआ मिल जाता है तो वो बहुत खुश होगा। उसका मन करेगा कि जो बंदा वहाँ पे बात कर रहा है हरियाणवी में उससे बात की जाए, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये मेरे समाज का ही पर्सन है। तो साइकिक यूनिटी होनी जरूरी है, यानी सेंस ऑफ वननेस होना जरूरी है ग्रुप के मेंबर्स के बीच, तब जाके वो ग्रुप समाज बनता है। तो ये हमने 5 करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। किसी भी ग्रुप को समाज कहने के लिए ये 5 करेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है उस ग्रुप में, तब जाके उस ग्रुप को समाज कहा जा सकता है। सोसाइटी के लिए बेसिक क्राइटेरिया डिस्कस करने के बाद अब हम पहले जानेंगे इंडियन सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक्स को, उसके बाद इंडियन सोसाइटी से जुड़े कुछ इंस्टीट्यूशंस को हम डिटेल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल कास्ट, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इन इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स तो आप आसानी से बता दोगे। जान लेते हैं पहले करेक्टरिस्टिक्स को ही। हमारी इंडियन सोसाइटी देखो मल्टी एथनिक है, मल्टी लिंगुअल है, मल्टी क्लास है, पैट्रियार्कल है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निटी यानी आधुनिकता और परंपरागत जो वैल्यूज़ हैं उनका एक साथ एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। मल्टी एथनिक का मतलब देखो बहुत सारे रेशियल ग्रुप्स यहाँ पर एक साथ मिलजुल के रहते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट सभी रेशियल प्रोफाइल्स के लोग रहते हैं। मल्टीलिंगुअल का मतलब आपको पता ही है, 22 लैंग्वेजेस को तो संविधान के 8वें शेड्यूल में आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा हमारे देश में ऑलमोस्ट 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 2011 के सेंसस ने ही 122 लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो 10,000 से कम लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। सेंसस उन लैंग्वेज को काउंट नहीं करता जो 10,000 से कम लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। उसके बाद हम बात करें मल्टी क्लास सोसाइटी की। आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कास्ट और क्लास में क्या डिफरेंस है? देखो क्लास का संबंध इकोनॉमिक स्टेटस से होता है। आपने सुना ही होगा लोअर क्लास, इनकम लेवल पे हम ये क्लासेस जो डिवाइड करते हैं, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसके बाद अपर क्लास। क्लास एक पर्सन के द्वारा चेंज की जा सकती है। आज कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गरीब है, वो लोअर क्लास में आता है। कल को उसका इनकम लेवल बढ़ जाए, वो लोअर मिडिल क्लास में भी आ सकता है, और भी आगे मूव कर सकता है, वो अपर मिडिल क्लास में आ सकता है, और ज़्यादा पैसा कमाएगा वो अपर क्लास में भी आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कास्ट, आपको पता है कि परंपरागत रूप से हिंदू समाज को 4 वर्णास में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास, 4 वर्णास में डिवाइड किया गया है। ये देखो बर्थ के आधार पर डिसाइड होता है। कास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, क्लास को चेंज किया जा सकता है, लेकिन कास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। ये बर्थ के आधार पर तय होती है। कास्ट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी के। तो इंडिया की सोसाइटी एक मल्टी क्लास सोसाइटी है। डिवीजन किसी भी आधार पर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल, सोशल अचीवमेंट और बर्थ। कोई कंपल्सरी नहीं है कि बर्थ के आधार पर ही होगा। कास्ट में तो देखो डिवीजन बर्थ के आधार पर ही होता है, लेकिन क्लास में डिवीजन किसी भी आधार पर हो सकता है, बर्थ, फाइनेंशियल एज वेल एज सोशल अचीवमेंट्स। क्लास सिस्टम दिखने में तो कास्ट सिस्टम की तरह ही लगता है, लेकिन क्लास सिस्टम में दबे कुचले समाज के लोगों के पास मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होते हैं लैडर में ऊपर मूव करने का।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कास्ट सिस्टम में। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। इंडिया की सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी देखो वो सोसाइटी होती है जहाँ पे मैन का स्टेटस बड़ा होता है वुमन के अपेक्षाकृत। हालात अभी चेंज हो रहे हैं लेकिन फिर भी रूरल इलाकों में सिचुएशन जस की तस है, यानी पैट्रियार्कल समाज है हमारा समाज। कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं वो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ हैं, यानी उन ट्राइबल ग्रुप्स में वुमन का जो स्टेटस है मैन के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये तो हमने डिस्कस किया था जब हमने सोसाइटी के बेसिक क्राइटेरियाज को डिस्कस किया था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब ये देखो एक सोशियो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, यानी सेंस ऑफ वननेस वीनेस। जब इंडिया की क्रिकेट टीम मैच जीतती है, मैरी कॉम मैच जीतती है, पूरे देश में जश्न होता है, पूरा देश खुश होता है। अब देखो हमारा इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ या मैरी कॉम के साथ कोई रिश्ता थोड़ी है, बस एक वननेस है, हम एक हैं। मैरी कॉम भारतीय हैं और हम भी भारतीय हैं, तो वननेस का ये जो रिश्ता है वो है इंडियन सोसाइटी में। हालांकि डाइवर्सिटी है बहुत ही ज़्यादा तरह की, लेकिन फिर भी उस डाइवर्सिटी में एक इंडियन होने की यूनिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन सोसाइटी का बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म में क्या होता है, फोकस होता है इंडिविजुअल का अनुभव भगवान के साथ, इस चीज़ को प्रमोट करने में। जैसे देखो आँख बंद करके भगवान को याद करो, भगवान की तरफ ध्यान लगाओ, ऐसी चीज़ें हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, स्पिरिचुअलिज्म काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ मटेरियलिज्म भी एग्जिस्ट करता है हमारे देश में। मटेरियलिज्म का मतलब ये होता है भौतिक चीज़ों से भौतिक सुख प्राप्त करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठा करो, संसारिक जो चीज़ें हैं उनसे सुख प्राप्त करना, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सुख प्राप्त करो, एसी से अच्छी कार खरीदो, ये सब चीज़ें हैं मटेरियलिज्म। लेकिन देखो ग्लोबलाइजेशन के बाद एक विजिबल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पहले हमारा समाज ज़्यादा डाइवर्टेड था अध्यात्म की तरफ, लेकिन धीरे धीरे हमारा समाज आज के समय में ग्लोबलाइजेशन के बाद ज़्यादा आकर्षित है मेटलिज्म की तरफ। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इंडियन सोसाइटी का ब्लड एंड किनशिप टाइज। वो लोग जिनके साथ खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशनशिप है, या फिर दूसरे सगे संबंधी, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है सोशल रिलेशनशिप में। ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है इंडियन सोसाइटी का। तो इस प्रकार से हमने बेसिक करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए इंडियन सोसाइटी के। लेकिन देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछे इस प्रकार का कि आप ये बताइए व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ऐसी संभावना तो कम है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी थोड़ा डीप में जाके, थोड़ा घुमा फिराकर, थोड़ा डायनामिक क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी। तो इंडियन सोसाइटी से जुड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल कास्ट, फैमिली, रिलीजन, ट्राइब, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, बेसिक्स इन सब इंस्टीट्यूशंस के बारे में अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम किनशिप को ही ले लेते हैं। किनशिप यानी रिश्तेदारी। भारतीय समाज में देखो किनशिप यानी रिश्तेदारी का एक इम्पोर्टेंट रोल है, खास करके सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स में। सोशलाइजेशन टर्म बार बार आपको सुनने को मिलेगी एथिक्स में। सोशलाइजेशन का मतलब आप जान लीजिए। सोशलाइजेशन देखो एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी सहायता से इंडिविजुअल्स नॉलेज एक्वायर करता है, लैंग्वेज सीखता है, सोशल स्किल्स सीखता है, और उन वैल्यूज़ को प्राप्त करता है जो सोसाइटी में एडोप्टेबल हैं, यानी जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल हैं। समझ गए सोशलाइजेशन का क्या मतलब है। रिश्तेदार हमें क्या सिखाते हैं, रिश्तेदार हमें सिखाते हैं लैंग्वेज सिखाते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, बेसिक नॉलेज जब हम छोटे होते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि आपको समाज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सोशलाइजेशन का मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी सहायता से इंडिविजुअल्स नॉलेज प्राप्त करता है, लैंग्वेज सीखता है, सोशल स्किल्स प्राप्त करता है, और उन वैल्यूज को जानता है जो समाज में एक्सेप्टेबल हैं। तो रिश्तेदार सोशलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे ये पूरी लिस्ट है किनशिप इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी रिश्तेदारी इंपॉर्टेंट क्यों है, किससे शादी करेंगे, किससे नहीं करेंगे, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, बच्चों को कैसा पाला जाएगा, कौन सा लैंड कल्टिवेट करना है, कौन से प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आएगी, आप उनसे हेल्प मांगते हो जरूरत पड़ने पर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी, ये बेसिक सी बातें हैं, ये आप लिख सकते हो किनशिप यानी रिश्तेदारी क्यों इंपॉर्टेंट है। किनशिप भी देखो अब दो टाइप की होती है, एफिनल किनशिप एंड दूसरे नंबर पे कंसेंगुइनियस किनशिप। एफिनल किनशिप मतलब रिलेटेड बाय मैरिज। मान लीजिए दो पर्सन ए जो कि मेल हैं और बी
जो कि फीमेल हैम, दोनों की आपस में शादी होती हैम, तो ए के पेरेंट्स, ई के, ए के भाई बहन, उन सब का रिश्ता जुड़ जाएगा सीधा सीधा बी के साथ, और दूसरी तरफ बी के भाई बहन, बी के पेरेंट्स, उनका भी सीधा सीधा रिश्ता जुड़ जाएगा ए के साथ। तो ये कौन सी किनशिप हुई, कौन सी रिश्तेदारी हुई? एफिनल किनशिप, क्योंकि ये रिश्तेदारी है एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद। अगर देखो डाइवोर्स हो जाता है तो वो रिश्तेदारी रिश्तेदारी नहीं रहेगी, रिश्तेदारी टूट जाएगी। दूसरी तरफ कंसेंगुइनियस किनशिप मतलब खून का रिश्ता, ए और बी की आपस में शादी होती है, बच्चे होते हैं सी डी, खून का रिश्ता है सी और डी में, सी का ए के साथ खून का रिश्ता है, डी का बी के साथ खून का रिश्ता है, ये नहीं टूट सकता। इवन देखो इसी फैमिली में आप मान लीजिए ए का एक और कोई भाई था एक्स, एक्स और वाई की शादी होती है, एक्स और वाई के बच्चे होते हैं यू डब्ल्यू, उनकी भी रिश्तेदारी होगी सी और डी के साथ, ये भी एक ब्लड रिलेशन है। तो ये तो हमने जान लिया रिश्तेदारी के टाइप के बारे में, लेकिन अब देखो रिश्तेदार भी तीन प्रकार के होते हैं। अब हम कीन्स के टाइप जानेंगे, पहले हमने जाना था किनशिप के टाइप, अब हम जानेंगे कीन के टाइप, यानी पहले रिश्तेदारी के टाइप जाना था, अब रिश्तेदार के टाइप जानेंगे। तीन प्रकार के रिश्तेदार होते हैं, प्राइमरी कीन्स, सेकेंडरी कीन्स और तीसरे नंबर पे टर्सरी कीन्स। प्राइमरी कीन्स में देखो सिंपल, जैसे कि एक सिंपल परिवार जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है, उन एक लड़का है और एक लड़की है। प्राइमरी रिश्तेदार देखो आठ प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर, ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, या फिर सिस्टर सिस्टर, और सबसे लास्ट में हस्बैंड वाइफ, तो आपको पता ही है। तो आठ प्रकार के प्राइमरी रिश्तेदार हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी कीन की। सेकेंडरी कीन में आप एक जनरेशन बढ़ा दीजिए, यही फैमिली ले लीजिए और ऊपर एक और जनरेशन आप ले आइए, एस जो कि एच के फादर हैं और यू जो कि मदर हैं एच की और वाइफ हैं एस की, तो एक जनरेशन बढ़ गई। इसमें 33 टाइप के कीन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर जो हैं वो एक सेकेंडरी कीन हैं। अगर आप एक जनरेशन और बढ़ा दोगे तो उसमें टाइप ऑफ कीन्स हो जाएंगे 155, यानी 155। जैसे कजन, कजन एक टर्सरी कीन है। इस प्रकार से हमने प्राइमरी कीन्स के बारे में जाना, सेकेंडरी कीन्स के बारे में जाना और टर्सरी कीन्स के बारे में जाना। अब देखो कीनशिप के कुछ रूल्स भी होते हैं इंडियन सोसाइटी में, जैसे जोकिंग रिलेशनशिप, ग्रैंड पेरेंट्स अपने पोते और पोतियों के साथ जोक शेयर कर लेते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक अवॉइडेंस रिलेशनशिप है, ससुर की बहू के साथ किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप की मनाही होती है आमतौर पर हमारे इंडियन सोसाइटी में। मनाही का मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। देखो ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन धीरे धीरे शहरों में ट्रांसफॉर्म हो रही हो, लेकिन रूरल इलाकों में अभी भी डॉटर इन लॉ और फादर इन लॉ के बीच किसी प्रकार की रिलेशनशिप को अवॉइड ही किया जाता है। लास्ट है टेक्नोनमी रिलेशनशिप, शादी के बाद वाइफ्स अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाती, सुनते हो चुन्नू के पापा, इस प्रकार की चीज़ आपने देखी ही होगी, तो इसको कहा जाता है टेक्नोनमी रिलेशनशिप। तो इस प्रकार से हमने किनशिप के सभी बेसिक्स को डिस्कस किया। पहले हम डिस्कस करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज देखो मोर और लेस एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, हर कोई अपने जीवन काल में या तो मैरिज करता ही है, अदरवाइज ट्राई जरूर करता है। मेटिंग रिलेशनशिप को लेजिटिमेसी प्रोवाइड की जाती है मैरिज के इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यानी कपल बच्चा जो पैदा करते हैं उसको लेजिटिमेसी मिलती है मैरिज की सहायता से ही। ये जो इंस्टीट्यूशन है इस इंस्टीट्यूशन को सैंक्शन प्राप्त है कस्टम से भी और लॉ से भी। ये एक कल्चरल मैकेनिज्म है फैमिली को आगे कंटिन्यू करने का, फैमिली को एक्सपेंड करने का। मैरिज भी देखो कई फॉर्म की हो सकती है, कई प्रकार की क्लासिफिकेशन हो सकती है मैरिज की। जैसे एक क्लासिफिकेशन आपको देता हूं मैं, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। बताइए क्या मतलब है एंडोगैमी का और एक्सोगैमी का? एंडोगैमी मतलब जब किसी इंडिविजुअल को कहा जाता है कि आपको इसी कल्चरली डिफाइंड ग्रुप में मैरिज करनी है। कल्चरली डिफाइंड ग्रुप मतलब कास्ट, रिलीजन, कहते नहीं है कि आपको शादी करनी है तो इसी कास्ट में करनी है, शादी करनी है तो इसी धर्म में करनी है। कास्ट और रिलीजन क्या है यहाँ पे? कास्ट और रिलीजन है कल्चरली
डिफाइंड ग्रुप्स। तो इस प्रकार की मैरिज को कहा जाता है एंडोगैमी, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ही शादी करना। एक्सोगैमी मतलब किसी कल्चरली डिफाइंड ग्रुप के अंदर शादी ना करना। जैसे देखो फैमिली में शादी नहीं की जाती है, काफ़ी जगह पे विलेज में शादी नहीं की जाती है, क्ला में शादी नहीं की जाती है। तो ये है एक्सोगैमी, मतलब एक कल्चरल डिफाइंड ग्रुप में आप शादी नहीं कर सकते, आपको उस ग्रुप के बाहर ही शादी करनी होगी। तो एंडोगैमी और एक्सोगैमी का मतलब आपको समझ में आ गया। मैरिज की देखो दूसरी फॉर्म्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीगैमी एंड मोनोगैमी। पॉलीगैमी में क्या होता है, एक हस्बैंड या मैनी वाइफ्स हो सकती हैं, या फिर एक वाइफ मैनी हस्बैंड्स हो सकते हैं, दोनों केस हो सकते हैं। जबकि मोनोगैमी में क्या होता है, वन वाइफ वन हस्बैंड। समझ गए? तो इस प्रकार से भी आप मैरिज को, मैरिज की फॉर्म को डिफाइन कर सकते हो। क्वेश्चन देखो यूपीएससी जो पूछ सकती है वो ये है, हाल ही में पिछले कुछ सालों में मैरिज इंस्टीट्यूशन में क्या बदलाव आए हैं, यानी मैरिज सिस्टम में क्या बदलाव आए हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में मैरिज यानी शादी का मकसद हुआ करता था, खास करके हिंदू समाज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, धर्म या फिर ड्यूटी। 16 संस्कारों में से एक है मैरिज, 7 जन्मों का साथ, मतलब एक ऐसा साथ जिसे 7 जन्मों तक नहीं तोड़ा जा सकता। इस प्रकार की बातों को मान्यता प्राप्त है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में देखो डाइवोर्स का प्रोविजन है हिंदू समाज में। अगर मुस्लिम समाज की हम बात करें तो मैरिज को एज ए कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, एग्रीमेंट और कंसेंट साइन होती है वर और वधु के बीच, एक प्रीस्ट होना चाहिए और 2 विटनेस होने चाहिए। डाइवोर्स का भी प्रोविजन है मुस्लिम समाज में। और क्रिश्चियन समाज में मैरिज का सिस्टम एक प्रकार से हाइब्रिड है, काइंड ऑफ संस्कार भी हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल मैरिज का प्राइमरी उद्देश्य धर्म या फिर ड्यूटी ना रह के लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप ज़्यादा हो गया है, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच जीवन भर का साथ। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैरिज का चेंज हो गया है। दूसरा चेंज मैरिज सिस्टम में, ट्रेडिशनली देखो परंपरागत रूप से पॉलीगैमी ज़्यादा प्रचलित थी, और पॉलीगैमी में भी एक हस्बैंड ज़्यादा वाइफ्स, एक से अधिक वाइफ्स, एक वाइफ ज़्यादा हस्बैंड्स, ये ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। लेकिन अब पॉलीगैमी कानून के हिसाब से हमारे देश में प्रतिबंधित है, तो मोनोगैमी ही ज़्यादा प्रचलित है। अब ये बदलाव आया है मैरिज के सिस्टम में। नेक्स्ट है चेंज इन द एज ऑफ मैरिज। परंपरागत समाज में देखो पॉवर्टी एज अचीव करने से पहले ही, यानी सेक्सुअल मेच्योरिटी आने से पहले ही, फर्टिलिटी अचीव करने से पहले ही विवाह कर दिया जाता था। लेकिन अब शादी होती है पोस्ट पॉवर्टी एज में। अब तो साल भी डिसाइड कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा, 21 साल से कम उम्र के लड़के का या फिर 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह होता है तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी, और ये कानून के हिसाब से लीगल नहीं है। तो ये एक चेंज है मैरिज सिस्टम में। पहले पॉवर्टी एज अचीव करने से पहले ही, यानी सेक्सुअल मेच्योरिटी अचीव करने से पहले ही शादी कर जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज का, डाइवोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी में देखो मैरिज को एक पवित्र इंस्टीट्यूशन माना गया है, तो इसी वजह से परंपरागत समाज में डाइवोर्स को अच्छा नहीं माना जाता था, डाइवोर्स बहुत ही ज़्यादा कम होते थे। लेकिन देखो जब से लेजिस्लेटिव प्रोविज़न ऐड किया गया है डाइवोर्स से संबंधित, उसके बाद मैरिज इंस्टीट्यूशन की जो स्टेबिलिटी है वो हिल गई है, डाइवोर्स काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं। और ख़ास करके आजकल के समय में जब इंटरनेट आ गया है, ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो डाइवोर्सेस की जो संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लास्ट बदलाव है लिव इन रिलेशनशिप। परंपरागत समाज में देखो एक लड़का और लड़की शादी से पहले अगर एक साथ रहते हैं तो इसे अच्छा नहीं माना जाता था, और समाज के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा गलत माना जाता था। लेकिन अब लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, यानी शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ रहते हैं। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में अपनी एक जजमेंट में ये कहा था, शादी के बिना भी अगर एक पुरुष और महिला एक साथ रहते हैं तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, अपराध नहीं है, उनके पास अधिकार है, ऐसा आर्टिकल नंबर 21 के हिसाब से उनके पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। तो ये 5 बदलाव आप लिख सकते हो अगर यूपीएससी पूछती है कि मैरिज सिस्टम में पिछले कुछ समय में क्या बदलाव आए हैं, तो इन 5 बदलावों के बारे में आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन की, जो कि है फैमिली। मैरिज की तरह फैमिली भी देखो एक यूनिवर्सल सोशल ग्रुप है।
कोई भी धर्म हो, कोई भी कल्चर हो, अर्बन कम्युनिटी हो, लोकल कम्युनिटी हो, फैमिली तो देखने को मिलती ही है। फैमिली देखो पहला ऐसा सोशल इन्वायरमेंट है जिसमें चाइल्ड एक्सपोज होता है, तो फैमिली की सहायता से ही चाइल्ड बेसिक चीज़ें सीखता है जैसे बिहेवियरल पैटर्न, लैंग्वेज, सोशल नॉर्म्स, कौन सी चीज़ें समाज में एक्सेप्टेबल है, कौन सी नहीं है। यानी सोशलाइजेशन जो होता है बच्चों का, उसमें फैमिली के सोशल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को और बेसिक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, खास करके एथिक्स में फोल्डर मटेरियल के तौर पर। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम जान लेते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली देखो एक बेसिक, डेफिनेट और इंड्यूरिंग ग्रुप है। इंड्यूरिंग का मतलब स्थाई। फैमिली बनती है हस्बैंड और वाइफ के साथ से, और ये साथ टिकाऊ होता है, यानी ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग समय तक रहता है। देखो बातें आपको ये सारी बेसिक लग रही होंगी, लेकिन काफ़ी बार आंसर में लिखने के लिए वर्ड्स नहीं मिलते, इसलिए फोल्डर मटेरियल यानी मेन पॉइंट्स के अलावा जो पॉइंट्स होते हैं उनकी भी अपनी अलग तरह की इंपॉर्टेंस है आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए। फैमिली में देखो सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फादर डॉटर हो सकती हैं, फादर सन्स हो सकते हैं, मदर डॉटर हो सकती हैं, मदर सन्स हो सकते हैं, फैमिली कोई भी हो सकती है। फैमिली का साइज जनरली छोटा होता है एज़ कंपेरिजन टू दूसरे सोशल ग्रुप्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, लेकिन काफ़ी बार कई सारी जनरेशंस भी जॉइंटली रहती हैं तो फैमिली का साइज थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। फैमिली काफ़ी प्रकार की होती हैं। एक तो देखो जो हमने मैरिज के समय डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, पॉलीगैमस फैमिली। पॉलीगैमस फैमिली मतलब एक हस्बैंड और काफ़ी सारी वाइफ्स मिलकर रहते हैं, या फिर एक वाइफ काफ़ी सारे हस्बैंड्स मिलकर रहते हैं, तो ये कहलाएगी पॉलीगैमस फैमिली। मोनोगैमस फैमिली, एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके बच्चे, तो ऐसी फैमिली कहलाएगी मोनोगैमस फैमिली। इसके अलावा दूसरी टाइप जिसके बेस पे हम फैमिलीज को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, पैट्रिलोकल फैमिली। पैट्रिलोकल फैमिली देखो वो फैमिली होती है जब मैरिज होती है कपल के बीच, तो वाइफ रहने जाती है हस्बैंड के घर, तो वो मैरिज कहलाती है पैट्रिलोकल फैमिली। और कपल की मैरिज के बाद जब हस्बैंड जाता है वाइफ के घर, वाइफ के फैमिली मेंबर्स के साथ रहने, तो उस मैरिज को कहते हैं मैट्रिलोकल फैमिली। तीसरे नंबर पे है बायलोकल फैमिली। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट रूप से जैसे कपल की शादी हुई, एक साल तक हस्बैंड और वाइफ रहेंगे हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के साथ हस्बैंड के घर, फिर अगले साल हस्बैंड और वाइफ रहेंगे वाइफ के घर में वाइफ के फैमिली मेंबर्स के साथ। यानी अल्टरनेट रूप से चलता रहता है, एक साल कपल रहेगा हस्बैंड के घर में, एक साल रहेगा वाइफ के घर में। वैसे देखो ये सिस्टम हो तो बहुत सी कुरूतियाँ, एविल्स जो आज हमारे समाज में प्रचलित हैं वो खत्म हो सकती हैं, जैसे फीमेल फिटिसाइड या फिर दहेज प्रथा। और लास्ट है न्यूलोकल फैमिली। इसमें क्या होता है, शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ ना तो हस्बैंड के घर में रहते हैं और ना ही वाइफ के घर में रहते हैं, अलग से अपना घर लेते हैं और वहाँ पर इंडिपेंडेंट रूप से रहते हैं अपने पेरेंट्स के बिना। तो इस प्रकार की फैमिली को कहा जाता है न्यूलोकल फैमिली। तो हमने ये सब कुछ डिस्कस किया, पैट्रिलोकल फैमिली क्या है, मैट्रिलोकल क्या है, बायलोकल क्या है और न्यूलोकल क्या है। अब तीसरी टाइप की फैमिली के क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन जब एक साथ रहते हैं तो उस फैमिली को कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली। इस प्रकार की फैमिली एक प्रकार से ऑटोनोमस यूनिट होती है, एल्डर्स का इन्फ्लुएंस कम होता है इस प्रकार की फैमिलीज पर, और वो इंडिपेंडेंट रूप से कहीं पर भी घर लेके रह सकते हैं। जबकि जॉइंट या फिर एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, तीन से चार जनरेशन के फैमिली मेम्बर्स जब एक साथ रहते हैं तो उस प्रकार की फैमिलीज को कहा जाता है जॉइंट या फिर एक्सटेंडेड फैमिली। इस प्रकार की फैमिलीज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का एक्सटेंशन होती है। मान लीजिए यही फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं अपने अनमैरिड बच्चों के साथ, बाद में बच्चों की शादी हो जाती है और शादी के बाद भी बच्चे वहीं रहने लगते हैं और उनके बच्चे हो जाते हैं, तो ये न्यूक्लियर फैमिली बन जाएगी, जॉइंट फैमिली या फिर एक्सटेंडेड फैमिली। जॉइंट फैमिली से आधारित होती हैं क्लोज्ड ब्लड टाइज पर। वैसे देखो एक चौथी टाइप भी है जिसके बेस पे आप फैमिलीज को डिवाइड कर सकते हो यानी क्लासिफाई कर सकते हो, पैट्रियार्कल फैमिली एंड मैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें फैमिली में सबसे ज़्यादा जो पावर्स हैं वो सबसे बड़े मेल मेंबर के पास कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, प्रॉपर्टी उसी मेंबर के नाम पे होती है, फैमिली में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं
वो उसी पर्सन के द्वारा लिए जाते हैं। जबकि मैट्रियार्कल फैमिली में क्या होता है, फैमिली की सारी जो पावर्स हैं वो एल्डेस्ट वुमन के पास होती हैं, जैसे वाइफ या फिर मदर। सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो हैं फैमिली से संबंधित वो उसी वुमन मेंबर के द्वारा लिए जाते हैं। इवन प्रॉपर्टी भी उसी वुमन मेंबर के नाम पे होती हैं। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया चार टाइप्स जिसके बेस पे फैमिलीज को क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मोनोगैमस और पॉलीगैमस फैमिलीज, उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर, और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अब देखो फैमिली के फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं, काफ़ी सिंपल है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। आप बताइए फैमिली का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बच्चों को पालना, घर के लिए प्रोविजन, कल्चर ट्रांसमिट होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कल्चर जाता है फैमिलीज की सहायता से, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन जो हमने डिस्कस किया था। सोशलाइजेशन देखो सिंपल मतलब यह होता है, जैसा हमने कल डिस्कस किया, एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसकी सहायता से बच्चा बेसिक स्किल्स प्राप्त करता है, बेसिक नॉलेज प्राप्त करता है, कौन से नॉर्म्स सोसाइटी में एक्सेप्टेड हैं और कौन से नहीं हैं। सबसे लास्ट में ये दो बार लिखा हुआ है, एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। चूंकि देखो फैमिली सोसाइटी की एक बेसिक यूनिट होती है, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए फैमिली का सहारा लिया जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, सोसाइटी में अगर इंटरकास्ट मैरिज को खराब माना जाता है तो शुरुआत से ही फैमिली में पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं कास्ट के बारे में, यानी सोसाइटी में जो चीज़ें एक्सेप्टेड हैं या फिर नहीं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरुआत हो जाती है फैमिली से ही। सोसाइटी में एक्सेप्टेड नॉर्म्स के हिसाब से ही पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा देने लगते हैं, अपने बच्चों को नॉलेज देने लगते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है फैमिली आल्सो वर्क्स एज एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शंस। सबसे पहले इकोनॉमिक फंक्शंस। फैमिली में जितने ज़्यादा मेंबर्स कमाते हैं, वेजेस को अर्न करते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छा है फैमिली के लिए। दूसरा एजुकेशनल फंक्शंस, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, सोशल एटीट्यूड सिखाने के लिए, और सोशल लाइफ में किस प्रकार की आदतें होनी चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। तीसरा रिलीजियस फंक्शंस, बच्चों को धर्म की शिक्षा देने के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे रिक्रिएशनल फंक्शनल्स, मनोरंजन की एक्टिविटीज़ के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। फैमिली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, फैमिली मेंबर्स मिलके कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं, डांस, सिंगिंग, रीडिंग, ये सब एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हैं, यानी आपस में मनोरंजन कर सकते हैं। रिक्रिएशनल फंक्शन है फैमिली का। तो ये हमने प्राइमरी फंक्शंस को जाना और सेकेंडरी फंक्शंस को जाना फैमिली के। अब हम ये जानते हैं फैमिली सिस्टम में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है चेंजेस इन फैमिली। पहले क्या हुआ करता था, फैमिली एक प्रोडक्शन यूनिट हुआ करती थी। गांव में छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, फैमिली मेंबर्स मिल के काम करा करते थे किसी ना किसी उद्योग में। लेकिन आज के समय में फैमिली कंजप्शन यूनिट ज़्यादा हो गई है, यानी एक मेंबर बाहर जाता है पैसे कमा के चलता आता है और उसी के बेस पे पूरे घर का खर्चा चलता है। तो ये बदलाव आप लिख सकते हो, पहले फैमिली प्रोडक्शन यूनिट हुआ करती थी लेकिन आज के समय में फैमिली कंजम्पशन यूनिट की तरह काम ज़्यादा करती है। नेक्स्ट है फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट। फैक्ट्री सिस्टम जब देखो आया तो यंगस्टर्स भी घर से बाहर निकल के सैलरी बेसिस पर काम करने लगे, और इवन महिलाएं भी घर से निकल के काम करने लगी। तो इससे हुआ क्या, फैमिली हेड की जो अथॉरिटी है बाकी फैमिली मेंबर्स पर कमजोर हुई। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे देखो अर्बनाइजेशन आया तो न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ने लगा। नेक्स्ट चेंजेस इन मैरिज सिस्टम। आजकल देखो मैरिज में कुछ हद तक आज़ादी है, यूं तो नहीं कह सकते कि हर जगह रूरल इलाकों में भी और अर्बन इलाकों में भी अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी है, पूरे तौर पे यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले से काफ़ी फ्रीडम प्राप्त हुई है और मैरिज के प्रति जो एटीट्यूड है वो भी चेंज हुआ है। पहले मैरिज को रिलीजियस ड्यूटी माना जाता था, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अब इसे एक सोशल सेरेमनी माना जाता है। तो फैमिली मेंबर्स की डिपेंडेंसी कम हुई है फैमिली हेड के ऊपर, इससे फैमिली हेड की अथॉरिटी कमज़ोर हुई है। तो पिछले पॉइंट से ही, यानी फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट से ही काइंड ऑफ रिलेटेड है ये पॉइंट, लेकिन थीम अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज। वेस्टर्न वैल्यूज जैसे कि मॉडर्न साइंस, रैशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, इक्वालिटी, फ्री लाइफ, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ वुमन,
इन सब चीज़ों का बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पर। नेक्स्ट है चेंजेस इन पोजीशन ऑफ वुमन। वुमन की पोजीशन काफ़ी इंप्रूव हुई है जब से वुमन बाहर निकल के सैलरी बेसिस पर काम करने लगी हैं। सबसे लास्ट में लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं। आज़ादी के बाद देखो जब काफ़ी सारे एक्ट आए, खास करके हिंदू समाज से संबंधित, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इन सब लेजिस्लेटिव मेजर्स की वजह से फैमिली के अंदर जो इंटरपर्सनल रिलेशंस थे उनमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया। पहले डाइवोर्स के लिए कोई एक प्रकार से लीगल प्रोविज़न नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद हिंदू मैरिज एक्ट और दूसरे एक्ट्स की वजह से अब सीधा सीधा डाइवोर्स के लिए प्रोविज़न है, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का प्रोविज़न है। इन सब चीज़ों से ना सिर्फ फैमिली की कंपोजिशन में भी बदलाव आया है बल्कि जॉइंट फैमिली की स्टेबिलिटी भी काफ़ी प्रभावित हुई है। तो ये 7 पॉइंट्स लिख सकते हो अगर UPSC पूछती है चेंजेस इन फैमिली सिस्टम के बारे में। चेंजेस इन फैमिली, फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन, चेंजेस इन मैरिज सिस्टम, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज, चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ वुमेन और सबसे लास्ट में लेजिस्लेटिव मेजर्स। हम डिस्कस करेंगे कास्ट सिस्टम को, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कास्ट का देखो पोर्टुगीज या फिर स्पेनिश में मतलब है कास्टा, इसका मतलब है रेस या फिर लीनियज। इंडियन सेंस में जब इसे यूज किया जाता है तो मतलब निकल के आता है जाति। जाति का मतलब है जना, जना का मतलब होता है बेस्ड ऑन बर्थ। तो कास्ट सिस्टम में क्या होता है, विभिन्न इंडिविजुअल्स को बर्थ के आधार पर विभिन्न ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ये बर्थ के आधार पर होता है, मतलब कोई पर्सन अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकता। ये हेरिडिटरी सिस्टम है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन फिर तीसरी जनरेशन कास्ट चलती रहती है। वर्णा और कास्ट में डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। वर्णा सिर्फ देखो 4 ही हैं। कौन कौन से, ये आपके सामने हैं, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रज। 4 वर्णाज हैं आपके सामने हैं, लेकिन कास्ट तो ऑलमोस्ट 3000 से लेके 3500 के आसपास हैं। वर्णा के अंदर देखो कोई पर्सन अपनी ऑक्यूपेशन को चेंज कर सकता है, यानी अपने बिजनेस को चेंज कर सकता है, लेकिन कास्ट आज़ादी नहीं देती ऑक्यूपेशन को चेंज करने की, बिजनेस को चेंज करने की, प्रोफेशन को चेंज करने की। जिस पर्सन का जो काम है वो पर्सन वही काम करेगा, समझ गए। फिर से बोलता हूँ, वर्णा में आज़ादी होती है, कोई पर्सन अपनी ऑक्यूपेशन को यानी प्रोफेशन को चेंज कर सकता है, लेकिन कास्ट में आज़ादी नहीं होती। तीसरा डिफरेंस ये है, वरना तो देखो एक ऑल इंडिया फेनोमेनन है, ब्राह्मण्स पूरे इंडिया में हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन कास्ट जो है वो एक रीजनल फेनोमेनन है। फॉर एग्जांपल यादव यूपी में देखने को मिलते हैं, लिंगायत कर्नाटक में है, तो रीजनल फेनोमेनन है कास्ट और ऑल इंडिया फेनोमेनन है वरना। तो ये हमने कुछ 2-3 डिफरेंस जाने कास्ट और वरना के बीच में। अब फिर से आते हैं कास्ट सिस्टम की तरफ। कास्ट सिस्टम को देखो डराइव किया गया है वरना सिस्टम से ही। ध्यान से सुनिएगा, कास्ट सिस्टम को वर्णा सिस्टम से ही ड्राइव किया गया है। जो 4 वर्णास हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है हायरार्की ऑफ कास्ट में, यानी जातीज में। हर एक कास्ट का जो ओरिजिन है वो अलग अलग आधार पे है। कई कास्ट जो हैं, यानी कई जातियां जो हैं, वो रेस के आधार पर हैं, कई जातियां रिचुअल्स की परफॉर्मेंस के आधार पर हैं, लेकिन ज़्यादातर कास्ट का ओरिजिन जो है वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल कोई तेल बेचने का काम करता था, उसका नाम पड़ गया तेली, आगे आगे उसके फैमिली मेम्बर्स बढ़ते गए तो एक पूरी आगे जाके कास्ट बन गई तेली। कोई गार्डनिंग का काम करता था वो हो गया माली, आगे जाके उसके बच्चे, बच्चों के बच्चे, जनरेशंस बढ़ती गई और ये पूरी कास्ट बन गई माली। तो इसी प्रकार से वैसे तो देखो कास्ट का ओरिजिन काफ़ी आधार पर हो सकता है, रेस के आधार पर हो सकता है, ऑक्यूपेशन के आधार पर हो सकता है, रिचुअल्स की परफॉर्मेंस के आधार पर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कास्ट का जो ओरिजिन है वो प्रोफेशन के आधार पर ही होता है। वैसे देखो कास्ट के ओरिजिन से संबंधित अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन वो थ्योरीज हमारे किसी काम की नहीं है, वो सोशियोलॉजी में टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशनल थ्योरी बाय जॉन नेसफील्ड, रेशियल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ये राइजली ने दी थी, रिचुअल थ्योरी होकार्ट ने दी थी, ये सारे सोशियोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं। GS के लिए हमें डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कास्ट के ओरिजिन के काफ़ी बेसिस हैं, लेकिन मेन बेसिस हैं ऑक्यूपेशन। तो इस प्रकार से हमने कास्ट के बेसिक्स को डिस्कस किया। अब कास्ट सिस्टम के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का डिवीजन होता है कास्ट के आधार पर। दूसरा है हायरार्की।
कास्ट सिस्टम में क्या होता है, कास्ट सिस्टम में कैटेगराइजेशन होता है विभिन्न कास्ट का। जैसे देखो सीढ़ी होती है, उसी प्रकार से कास्ट की भी सीढ़ी है। जो कास्ट लैडर में ऊपर आती हैं, हायर कास्ट, उनको ज़्यादा प्योर माना जाता है, और जो कास्ट लैडर में नीचे आती हैं यानी लोअर कास्ट, उनको थोड़ा इम्प्योर माना जाता है। तो इस प्रकार से हायरार्की है कास्ट सिस्टम में। नेक्स्ट है एंडोगैमी। एंडोगैमी मतलब कास्ट से बाहर विवाह को मनाही, यानी सोसाइटी में परंपरागत रूप से ये चलन रहा है और कहा जाता है कि कास्ट के अंदर ही विवाह कीजिए। आजकल ये जो फेनोमेनन है धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, खास करके अर्बन एरियाज में। उसके बाद अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को सेग्रीगेट कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। कास्ट सिस्टम का एक कंसिक्वेंस आप कह सकते हो अनटचेबिलिटी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस कास्ट को सेग्रीगेट किया जाता है मेन सोसाइटी से, उस कास्ट को पोल्यूटेड माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है। इस वजह से मेन स्ट्रीम सोशल कस्टम से, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उनको अलग थलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मैनुअल स्क्वेंजिंग। ह्यूमन वेस्ट को मैनुअली रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है मैनुअल स्क्वेंजिंग। ये भी देखो कास्ट सिस्टम का ही एक कंसिक्वेंस है। पर्टिकुलर लोअर ग्रुप्स को ही फोर्स किया जाता है मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम करने के लिए। तो ये मैनुअल स्क्वेंजिंग एक कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है। 2013 में एक एक्ट आया था, मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। हालांकि अभी भी मैनुअल स्क्वेंजिंग से संबंधित जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आते रहते हैं। पूरी तरह से ये ख़त्म अभी नहीं हुई है प्रोसेस। मैकेनाइज्ड सीवरेज की क्लीनिंग जब होगी, जब मैनुअल स्क्वेंजिंग को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अभी भी मैकेनाइज्ड क्लीनिंग होती नहीं है सीवेजेस की। उसके बाद कास्ट बेस्ड वायलेंस इन इंडिया। कास्ट बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे देश में, चाहे वो इंटरकास्ट मैरिज हो या फिर दलित ग्रुप्स के द्वारा अपने राइट्स को असर्ट करने की बात हो, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लैंड राइट्स। तो इन इंसिडेंसेस में कास्ट बेस्ड वायलेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। ये आपको पता है हमारे संविधान में एफर्मेटिव एक्शन का प्रावधान है। तो ये सब आप लिख सकते हो अगर UPSC पूछती है कास्ट बेस्ड सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। अब आप जान लीजिए क्या क्या बदलाव हुए हैं हाल फिलहाल में कास्ट सिस्टम में। इंटरकास्ट मैरिज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, काफ़ी अच्छी बात है। चैलेंजेस टू ऑर्थोडॉक्सी, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, बैन ऑन कन्वर्जन और सुपीरियर क्लास की इनसेंसिटिवनेस यानी असंवेदनशीलता लोअर कास्ट की तरफ, इन सबको चैलेंज किया जाता है आज के समय में। इसलिए जो कास्ट हायरार्की हुआ करती थी वो डाइल्यूट हो रही है। न्यू फूड हैबिट्स, पहले देखो क्या हुआ करता था, पर्टिकुलर कास्ट ये खाएगी ये नहीं खाएगी, इस प्रकार से नॉर्म्स होते थे। इस कास्ट के लोग ये खाते हैं, उस कास्ट के लोग ये खाते हैं, लेकिन आजकल अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, विभिन्न कास्ट के लोगों की फ्रिक्वेंट मिक्सिंग होती है कॉन्फ्रेंसिस सेमिनार, तो फूड हैबिट्स भी विभिन्न कास्ट के लोगों को चेंज हो गई है। अब यूँ नहीं कहा जा सकता कि इस कास्ट के लोगों की फूड हैबिट्स इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन पोजिशन ऑफ लोअर कास्ट। सरकार की तरफ से काफ़ी सारे जो कदम उठाए गए हैं, इसकी वजह से लोअर कास्ट जो हैं काफ़ी स्ट्रेंथन हुई हैं, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, यानी समाज में उनका स्टेटस अच्छा हुआ है और इकोनॉमिकली भी उनकी जो पोजीशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट है चेंज इन ऑक्यूपेशन। पहले तो देखो जैसा हमने डिस्कस किया, ऑक्यूपेशन चेंज नहीं होती थी कास्ट में, वरना में हो जाती थी, लेकिन आजकल कास्ट में भी ऑक्यूपेशन चेंज होने लगी है। ब्राह्मीस जो हैं वो ट्रेडर बन गए हैं और वैश्यास जो हैं वो भी पढ़ाने लगे हैं और दूसरे कामों को ज्वाइन करने लगे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम में ऑक्यूपेशन भी अब धीरे धीरे चेंज होने लगी हैं। तो ये पांच फैक्टर्स याद रखिएगा, पांच जो बदलाव आए हैं कास्ट सिस्टम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। कौन कौन से फैक्टर्स कास्ट सिस्टम में चेंजेस को अफेक्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। संस्कृताइजेशन में क्या होता है, कास्ट हायरार्की में वो कास्ट जो लोअर लेवल पे हैं, ऐसी कास्ट अपर कास्ट के तौर तरीकों को कॉपी करने की कोशिश करती हैं। अपर कास्ट के जो कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनको अपनाया जाता है लोअर कास्ट के लोगों के द्वारा अपनी डेली लाइफ में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोअर कास्ट के द्वारा ऐसा करके कास्ट हायरार्की में हायर पोजीशन क्लेम की जाती है। यानी लोअर कास्ट के लोगों को लगता है कि अपर कास्ट के कस्टम्स रिचुअल्स की कॉपी अगर हम करते हैं तो कास्ट हायरार्की में हमारी पोजीशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है संस्कृताइजेशन।
नेक्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम में बदलाव आ रही है वो है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन देखो आज के समय में ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर में देखने को मिलता है, फूड हैबिट्स, एजुकेशन, ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल ऑफ ईटिंग, मैनर। तो वेस्टर्नाइजेशन एक फैक्टर है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम अब धीरे धीरे बदल रहा है। विभिन्न कास्ट के बीच का जो डिफरेंस था वो डाइल्यूट हो रहा है, यानी बैरियर्स जो थे विभिन्न कास्ट के बीच में वो बैरियर्स अब टूट रहे हैं। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन से क्या हुआ है, साइंटिफिक आउटलुक डेवलप हुआ है लोगों में, रैशनल एटीट्यूड डेवलप हुआ है। तो कास्ट हायरार्की जो है बहुत हद तक डाइल्यूट हुई है, खास करके अर्बन एरियाज में कास्ट की जगह ले ली है क्लास ने, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास। आजकल इन पैमानों में ज़्यादा तोला जाता है लोगों को बजाय के कास्ट में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। देखो पुराने समय में क्या हुआ करता था, अपर कास्ट के पास लैंड हुआ करता था और जो लोअर कास्ट के लोग वेरियस काम किया करते थे, जैसे बार्बर, ऑयल वेंडिंग, गार्डनिंग। तो एक प्रकार से रिलेशनशिप हुआ करती थी अपर कास्ट के लोगों के बीच और लोअर कास्ट के लोगों के बीच, उसको कहा जाता था जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम में क्या हुआ करता था, लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और बदले में अपर कास्ट के लोग लैंड अलॉट किया करते थे या फिर लैंड से जो उपज हुआ करती थी उसको दिया करते थे लोअर कास्ट के लोगों को। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें होती थी गाँव में। अब गाँव में रहना है तो ये सब कुछ तो करना ही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप हुआ करती थी, मतलब अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लिए ये करेंगे, लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के लिए ये करेंगे और चेंज कर नहीं सकते थे ऑक्यूपेशन को। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ तो लोग शहरों में जाके काम करने लगे। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बार्बर है वो बार्बर का ही काम करेगा, कोई ज़रूरी नहीं गांव में जो ऑयल वेंडिंग का काम करता था वो ऑयल वेंडिंग का ही काम करेगा। यानी जजमानी सिस्टम टूट गया जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन में नई जॉब्स पैदा हो गई, मतलब कास्ट जिसका ओरिजिन ऑक्यूपेशन से है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में नई नई फैक्ट्रीज जब खुली उसमें तो कोई है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं ना कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में फैक्ट्री का काम है वो पर्टिकुलर कास्ट का है। नहीं, कोई भी कास्ट का पर्सन जाके फैक्ट्रीज में काम करने लगा। कहने का एसेंस ये है जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन आया कास्ट सिस्टम डाइल्यूट हो गया। उसके बाद है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ, रिजर्वेशन मिला लोअर कास्ट के लोगों को और उनका सशक्तिकरण देखने को मिला। नेक्स्ट है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। देखो वो लोग जो कास्ट सिस्टम की हायरार्की में नीचे आते हैं यानी लोअर कास्ट के लोग, उनका काफ़ी सशक्तिकरण हुआ है पॉलिटिक्स से। क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो बहुत सारे कास्ट के लोग जो कास्ट सिस्टम में हायरार्की में नीचे आते हैं उन्होंने अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट किया। वोट बैंक बन गया तो पॉलिटिशियंस उनकी बात को मानने लगे। अभी भी देखो आरोप लगते रहते हैं कि कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है वोट हासिल करने के लिए, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स ने मौका दिया है लोअर कास्ट ग्रुप्स को कि वो अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर सकें। और सबसे लास्ट में है लेजिस्लेटिव मेजर्स। हमारे देश में देखो बहुत से एक्ट बने हैं लोअर कास्ट ग्रुप्स को एम्पावर करने के लिए, फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, एससी एंड एसटी एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसपे काफ़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। तो ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम में बदलाव आए हैं। एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए, आपको पूरे याद हो जाएंगे, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन और सबसे लास्ट में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद में भी है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बाद है कास्ट एंड पॉलिटिक्स और उसके बाद है लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो इन फैक्टर्स की वजह से कास्ट सिस्टम में बदलाव आए हैं, इन सब ने कास्ट सिस्टम को अफेक्ट किया है। अब बात करते हैं इंडिया में रेसिस के बारे में। देखो बीएस गुहा की जो क्लासिफिकेशन है इंडिया में रेसिस के बारे में, उस क्लासिफिकेशन को सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। और बीएस गुहा ने अपनी रेसिस की क्लासिफिकेशन में रेसिस को 6 टाइप्स में डिवाइड किया है, नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, मंगलोइड, मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न, ब्रेकोसेफेलस, नॉर्डिक। सबसे पहले हम बात करते हैं नेग्रिटो की। नेग्रिटो देखो साउथ में मिलते हैं, कादर अंडमानीज, अंगामी नागाज, बगाड़ी ऑफ राजमहल हिल्स बिहार, इवन सेंटिनलीज ट्राइब जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं वो भी नेग्रिटो रेस से ही हैं। फीचर्स कैसे दिखते हैं वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं हैं। नेक्स्ट रेस की हम बात करें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। सेंट्रल इंडिया में देखो जो भील, गोंड, संथाल, मुंडा ट्राइब के जो लोग हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड रेस से हैं। इंडो आर्यंस के द्वारा इन्हें अनास, दास, दशायु या फिर निषाद कहा जाता था।
उसके बाद मंगलोइड, मंगलोइड को देखो आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। पहली टाइप पेलियो मंगलोइड, हिमालयन रीजन के नागाज में और नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है ये रेस, और दूसरी टाइप है तिब्बतो मंगलोइड, सिक्किम और भूटान में देखने को मिलती है ये रेस। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन, ये देखो डर्विडियन लैंग्वेजेस और डर्विडियन कल्चर से संबंधित हैं। नेक्स्ट वेस्टर्न ब्रेकोसेफलस, इनको भी तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में रेसिस की क्लासिफिकेशन क्या है। क्वेश्चन नहीं बनता लेकिन फिर भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और ऐसे लिखते वक्त कभी ना कभी काम आ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा हमने देखा इंडिया में 6 रेसिस के बारे में। लास्ट है नॉर्डिक रेस, नॉर्डिक रेस के लोग हमारे देश में आए थे 2nd millennium BC में नॉर्थ से या फिर साउथ ईस्ट एशिया से, नॉर्थ इंडिया में सेटल्ड हैं। ये रेस इंडिया में मिक्स फॉर्म में मिलती है मेडिटेरेनियन रेस के साथ। नॉर्डिक रेस ने इंडिया में नॉर्थ इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से हमने 6 रेसेस के बारे में डिस्कस किया जो इंडिया में मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइब्स की। ट्राइब्स देखो हमारे इंडिया में मेनली 5 रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। सबसे पहले हिमालयन रीजन में ट्राइब्स जैसे गद्दी, जोनसरी, नागाम। मिडिल इंडिया में ट्राइब्स जैसे मुंडा, संथाल। वेस्टर्न इंडिया में ट्राइब्स जैसे भील, गरसियाम। साउथ इंडिया रीजन में ट्राइब्स जैसे तोडा, चेंचू। और सबसे लास्ट में आइलैंड रीजन में ट्राइब्स जैसे जरावा और इवन सेंटिनलीज ट्राइब जो इन दिनों सुर्खियों में है। ट्राइबल रीजन्स में देखो इकोनॉमिक चेंजेस इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। पहला पॉइंट, ट्राइबल लोग रहते हैं जंगलों में लेकिन फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, तो इसका असर पड़ा है ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे। सेकेंड पॉइंट, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मजबूरी में अपनी ज़मीन देनी पड़ती है बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट को या फिर इंडस्ट्रीज़ को। काफ़ी बार सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश करती है, फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम या फिर कोई प्लांट इस्टाब्लिश किया जाता है, उस समय भी ट्राइबल लोगों से उनकी ज़मीन छीन ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बड़ी इंडस्ट्रीज जब लगती हैं ट्राइबल इलाकों में तो बड़े ही वादे किए जाते हैं, ट्राइबल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, लेकिन उनको डेली बेसिस पर रखा जाता है, उनका काफ़ी एक्सप्लोटेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी। पहले ट्राइबल लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोड्यूस करते थे लेकिन अब मार्केट इकोनॉमी की वजह से वो मार्केट के हिसाब से प्रोड्यूस करने लगे हैं, तो एक विशियस साइकिल में फंस के रह गए हैं। तो अगर UPSC स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे कि ट्राइबल रीजन्स में किस प्रकार के इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। ट्राइब्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ेंगे, और इवन GS पेपर 2 में भी मार्जिनाइज सेक्शंस की जब बात आती है तो वहां पे भी ट्राइब के बारे में पढ़ने को हमें मिलेगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो UPSC के द्वारा पूछे गए हैं इस टॉपिक से, सैलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। वैसे तीसरा जो क्वेश्चन है वो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टॉपिक से है। क्वेश्चंस देखो काफ़ी आसान है, आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिख के रखिए। नेक्स्ट वीक से हम क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, उस डिस्कशन में हम UPSC के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड करेंगे अपनी डिस्कशन में। डेली एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको देखो बेसिक्स अब सबके पता है, सभी सोशल इंस्टीट्यूशंस के बेसिक्स आपको पता है। थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए नॉलेज को यूज करने की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हायरार्किकल सिस्टम के बारे में UPSC ने पूछ लिया। अब देखो हायरार्किकल में आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि कास्ट में हमने हायरार्की के बारे में पढ़ाया है तो सिर्फ कास्ट बेस्ड सिस्टम में हायरार्की है। हायरार्की देखो इंडियन सोसाइटी में हर एक जगह देखने को मिलती है। यहाँ पे आप अपने बेसिक्स का इस्तेमाल कीजिए। जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हम किन की बात करते हैं? हम कास्ट की बात करते हैं, जेंडर की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, ड्रेसिंग पैटर्न की बात करते हैं, बर्थ की बात करते हैं। मतलब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, इन सभी एलिमेंट्स में आपको हायरार्की देखने को मिलेगी। फूड हैबिट्स में कैसी हायरार्की है? देखो जब कोई घर में आता है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट का पर्सन जब घर में आता है तो उन्हें रूखा सूखा दे दिया जाता है, गलत प्रैक्टिस है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन कोई ब्राह्मण आता है तो उसे फ्रेश फूड दिया जाता है, तो यहाँ पे हायरार्की देखने को मिलती है। ड्रेसिंग पैटर्न में कैसे होता क्या था परंपरागत समाज में? शूद्रास को कमर से ऊपर कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं होती थी शूद्रास को। लैंग्वेज में भी हायरार्की देखने को मिलती है। यूरोप में सिर्फ एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, यू। लेकिन आप देख लीजिए हिंदी की बात कर लीजिए, एल्डेस्ट पर्सन के लिए आप वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तुम का इस्तेमाल किया जाता है, रिलेटिवली यंगर पर्सन के लिए और बच्चों के लिए तू का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए लैंग्वेज में हायरार्की है या फिर नहीं है? आप और भी एग्जांपल इसके ले सकते हो।
हमारे समाज में ट्रेडिशनली जो बड़े हैं एज में, उनको ये माना जाता है उनके लिए कि उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। फैमिली में भी जो एल्डेस्ट पर्संस हैं हायरार्की में, वो ऊपर होते हैं। और इवन समाज में भी, फॉर एग्जांपल खाप पंचायत, यानी यहाँ पे भी हायरार्की देखने को मिलती है। और जेंडर में कैसे, जेंडर में आपको पता ही है ट्रेडिशनली हमारा जो समाज है वो मेल डोमिनेंस है, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। कहने का एसेंस देखो सिंपल है, बेसिक्स आपके क्लियर है ना, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बस आपको इंटरलिंकिंग की आवश्यकता है। जैसे अभी हमने हायरार्की बेस्ड सोसाइटी को डिस्कस किया, ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं पता हो, बस बेसिक्स का यूज किया है, नॉलेज का इस्तेमाल किया है, इंटरलिंकिंग किया है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि हिमालयन रीजन के स्पेसिफिक एरिया में वहां पे चाय नहीं उगती। अब आपको रीजन नहीं पता है कि वहां पे क्या रीजन हो सकता है कि चाय नहीं उगती, लेकिन आपको बेसिक चीजें पता है कि चाय कौन से क्रिटेरियाज में उगती है, कौन से रीजन में चाय उगती है, कौन सी कंडीशंस चाय के लिए उपयुक्त हैं, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आप लिख सकते हो कि चाय की कंडीशंस वहां पे फुलफिल नहीं होती, ये है चाय की बेसिक कंडीशंस और ये कंडीशंस वहां पे नहीं मिलती, इस वजह से चाय वहां पे नहीं मिलती। ये तो यहां पे बताइए बेसिक काम आए या फिर नहीं आए। तो इसीलिए कहा जाता है बेसिक अगर माइंड में क्लियर है ना, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, बेसिक्स से आप उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, इंटरलिंकिंग करके। यही हम डिस्कस करेंगे ज्यादा से ज्यादा जब नेक्स्ट वीक्स में हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।